तो टीएसपी क्षेत्र में आरक्षण को लेकर विसंगतियां हो या एससी अत्याचार के 18,000 पेंडिंग केसेस, ऐसे कल्याण से जुड़ी स्कीम्स को लागू करने में कमी हो या जिला स्तरीय समितियों का काम नहीं करना, आयोग की बैठक के बाद सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्री टीकाराम जूली से खास बातचीत की हमारे वरिष्ठ संवाददाता डॉक्टर ऋतुराज शर्मा ने। अनुसूचित जाति आयोग के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने जो दौरा किया है और जो बैठक की है उसके बारे में कई तरह की जो तथ्यात्मक रिपोर्ट आई है उसको लेकर हमारे साथ हैं मंत्री टीकाराम जूली, इनसे बात करते हैं। मंत्री जी, किस तरह से आप देखते हैं पूरे दौरे को और पूरे जो कार्यक्रम रहा और बैठकें रही हैं उनका क्या फाइंडिंग्स रहे हैं और आपने उसको किस तरह से लिया? देखिए, हमने आयोग का पूरा सहयोग किया है और आयोग के द्वारा जो जो हमसे जानकारी मांगी गई थी वो सारी जानकारियाँ दी गई हैं और उनको जो कुछ कमियाँ नज़र आई उनको भी हमने पूरा करने का उनको आश्वासन भी दिया है और हम भी चाहते हैं कि एससी के जो कानून बने हुए हैं उनकी पूरी पालना हो। अगर कहीं भी कोई कमी पेशी रह रही है तो उसको ध्यान देने की ज़रूरत है और आयोग ने इस चीज़ पे भी संतुष्टि जताई है कि पिछले काफ़ी समय से जो चीज़ें थी उनमें हमने काफ़ी इम्प्रूवमेंट किया है और हमारे इम्प्रूवमेंट करने के बाद में लोगों को लाभ भी मिल रहा है। सबसे बड़ी बात, जो एट्रोसिटीज़ के जो पहले जो इनमें पीड़ित प्रतिकर योजना है जिसका लाभ मिलना चाहिए था परिवारों को, वो नहीं मिलता था, आज उनको हमने FIR से जोड़ दिया है। जैसे ही FIR दर्ज होगी सीधा पैसा उनके खाते के अंदर ट्रांसफ़र हो जाता है तो किसी का कोई अब वो भुगतान के लिए उनको चक्कर लगाने की ज़रूरत नहीं है, कोई फाइल बनवाने की ज़रूरत नहीं। और साथ के साथ जैसे हम बात करें जो हमारे पास शिकायतें आ रही है उनका भी हम मॉनिटरिंग कर रहे हैं। बहुत ही जल्दी राजस्थान सरकार इस प्रकार का पोर्टल बना रही है कि सभी विभागों की इकट्ठी जानकारी उस पोर्टल पर रहेगी, चाहे आप लॉ डिपार्टमेंट से पूछ लें, चाहे पुलिस डिपार्टमेंट से पूछ लें, चाहे आप हमारे समाज कल्याण डिपार्टमेंट। जो जालौर प्रकरण है उसको लेकर भी आयोग ने अपनी फाइंडिंग्स दी हैं, सुझाव दिए हैं महत्वपूर्ण राज्य सरकार को और सुझाव के अनुसार काम भी किया जा रहा है। अब आगे इस तरह का प्रकरण नहीं आए इसके लिए पूरी एक क्या एक्शन प्लान आपने बनाया है सरकार का और कैसे इंप्लीमेंट कर रहे हैं? देखिए, हमने एक जागरूकता अभियान चलाने की बात की है, सभी स्कूलों के अंदर इस प्रकार का अभियान हम चलाएंगे। पुलिस को एडवाइजरी जारी की है, पुलिस के DG साहब ने भी इस चीज़ को नीचे तक अधिकारियों तक पहुंचाने की बात कही है कि खुद मॉनिटरिंग भी करें, ध्यान भी रखें इस प्रकार की घटनाएं भविष्य में घटित नहीं हो, लोगों के अंदर सामाजिक समरसता बनी रहे, इसके लिए एक पूरा कैंपेन पूरे राजस्थान के अंदर हम चलाना चाह रहे हैं जिसकी अभी पूरी तैयारियों की कार्रवाई चल रही है। आयोग आ गया था इस वजह से थोड़ा डिले हुआ है। तो ये हैं टीकाराम जूली, इनका कहना है कि जो जालौर प्रकरण जिस तरह की घटनाएँ सामने आती हैं उसको लेकर राज्य सरकार ने व्यापक प्लानिंग के साथ एक जनजागरण अभियान करने की पूरी शुरुआत की तैयारी कर ली है और इसके साथ ही उनका ये कहना है कि जो डाटा अपडेशन का जो काम है जो कि एक सतत प्रक्रिया है हालांकि, लेकिन उसके दिशा में तैयारी शुरू कर दी है राज्य सरकार ने और जो वेबसाइट अपडेशन उसी अनुसार हो जिससे आंकड़ों में एकरूपता रहे और किसी भी तरह की त्रुटि को दूर किया जा सके। कैमरा पर्सन विजय के साथ ऋतुराज शर्मा, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, जयपुर।